नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनदीप चौधरी। इस समय हमारे साथ आजाद उम्मीदवार प्रेम लता जिंदल जी मौजूद हैं, जो कि चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैम, इस बार किन मुद्दों को लेकर आप लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं? मैं तो यही मुद्दे लेके चली हूँ भी जेडी विधवा औरत है उसनों जो पेंशन लगती नहीं जा मिलती नहीं जा कोई भी बुजुर्ग है जिन्हें 60 साल तो बाद पेंशन लगी भी हो या हर महीने उन्होंने मिलती नहीं पेंशन उन्होंने हर महीने पेंशन वो खाते जानी चाहिए। दूसरा जिमें चंडीगढ़ के नीमिया बस्तियां ने उन्होंने पानी खड़ा रहता बरसाती बड़े समस्या हो उन्होंने समस्या का समाधान करूंगी भी पानी नहीं रुके कोई सड़क खराब हो सड़क लुक तो पाते नहीं तो बूरा पाते तेल पाते उस पाए अज बनाई सड़क फिर वो सड़क खराब हो जाती है उसन दूर करूंगी। जो भी समस्या है पब्लिक की जिमें पार्क खराब है या कूड़ा का यह करे भी सफाई का सिस्टम तो बनाता सफाई कोई करता नहीं कागजा तो सफाई पूरी है बाकी चंडीगढ़ भी जितों देखो जगह जगह गंद के ढेर लगे फिर असं सफाई आप जाके मौके से देख देख के जेडे पड़ोसी ने कर्मचारी है महल्ले भाई उन्होंने मैंबर बनावे भी तुम सफाई का ध्यान रखना जो सफाई करके गया है कर्मचारी उस तो बाद भी ध्यान रखना ता सफाई रहेगी सफाई साढ़े देश वास्ते साड़ी सेहत वास्ते अति जरूरी है। तो इस बार लोकसभा जो आप चुनाव लड़ रही है तो पहले क्यों आपके मन में कोई सवाल उठा कि लोकसभा का चुनाव लड़ा जाए या कोई आम चुनाव लड़े जाए? मेरे मन च 1980 तो लैके चुनाव लड़न की बहुत दिलचस्पी मैं 1990 च MLA का अपलाई कराया था पंचकूले 1995 का कराया था कांग्रेस सरकार ने मेरे को जबरदस्ती नाम वापस लैन लाई गया जे मैं MP का चुनाव लड़ती वहां हरिजन की सीट है इस करके असं उतों नहीं लड़ रहे हूं यह मन बना लिया भी इलेक्शन जिंदगी खत्म हो जाएगी भी चुनाव जरूर लड़ना चलो चंडीगढ़ तो लड़ रहे जो चंडीगढ़ तो चुनाव का पर्चा भरना ही हो कहते कैसे भर सकते हो तुम चंडीगढ़ तो चुनाव हाई कोर्ट का एक जज है मेरा वक्त फिर उसने फोन से कहा कहती अपना प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी का क्या नाम याद होगा क्या नाम है कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी बड़े बड़े वादे करता रहा भी मैं तेन टिकट दू मैं कांग्रेस की 28-30 साल सेवा करी 100 साल अधिवेशन थी बंबे वह भी लाया कलकत्ता सैशन थी वह भी करा महिला सैशन बंगलौर थी इंदिरा जी वह भी करी किसी ने पार्टी का टिकट नहीं दिया असं इस करके आजाद लड़ रहे हैं भी असि साडा नाम सारे दफ्तर सारे सैक्टर सारे हाई कोर्ट च सब लोग मैंने जानते हैं मैं बड़ा कम करे इस करके मेरा इलेक्शन लड़ के जीत के दिखाऊंगी जीतने वास्ते इलेक्शन लड़ रहे हैं ना कि हारने वास्ते हारे तो सारे लोग है 35 लोग तो हारेंगे इक्के जीतेगा सबने जीतने का इन्ना हौसला कि घोटाला बड़ा करे कांग्रेस सरकार ने BJP की सरकार ने वादे कर करके काम कोई करे नहीं वादे कर ले असि जो वादे करा अस पब्लिक की सेवा करा अस अपने बच्चों तो बहुत कुछ सेवा करके अब पब्लिक की सेवा वास्ते उठे। तो चुनाव प्रचार में अभी तक आपका कितना खर्चा आया है और कितने एरिया आपने कवर कर लिए? मैम, हमारा तो कम से कम खर्चा करे लाख रुपया खर्चा करे अस पंपलेट पाए 50,000 लाख रुपया ज्यादा तो ज्यादा बहुत खर्चा आया जेडे लेबर रखी हुई है वो डोर टू डोर अस सारा डोर टू डोर आप जाने ना हर सैक्टर च हर बस्ती च हर कलोनी च मैं खुद आप जाने ना ताकि किसी की समस्या सुनिया जाए जेडे लेबर है वो तो परचा दे के बगेगी फिर उस जानना की पैदा असर सारे पोलिंग बूथ भी कर रहे हैं भी किन्ने पोलिंग बूथ है कि वो सही है वो जगह ते बने हुए हैं कि वो एवं तो नहीं कह के देता जी सर्वे इन्ने बूथ अस हर बूथ की भी सर्वे कर रहे हैं। तो चुनाव के लिए बस एक दो दिन ही रह गया है लेकिन आपने अभी तक कितना एरिया कवर कर लिया चंडीगढ़? चंडीगढ़ का जी सारा एरिया कवर कर लिया एक तो सारा 25 सेक्टर रह गया एक 56 रह गया एक 54 बाकी सब सेक्टर में डोर टू डोर जाके अच्छी कर 10 दिन हो गए लग गए। तो आपको क्या लगता है जैसे कि ये जो कुछ बड़ी पार्टियां हैं भाजपा है कांग्रेस है आम पार्टियां और कुछ पार्टियां हैं क्या ये लोगों के हित के लिए काम नहीं करती? नहीं करती ये करती होती फिर हम क्यों आगे आते जितने आजाद उम्मीदवार ये सोच के खड़े हुए हैं भी मैं सबसे ज्यादा काम करूं उससे भी ज्यादा दिलचस्पी मेरे को ये है भी मेरी उम्र तो खत्म होगी बुढ़ापा सिर ते है असि पब्लिक वास्ते कुछ करके दिखाएंगे असि ऐसा कुछ करना चाहते हैं जो किसी ने नहीं करे वादे करके
एसी लाया सो गए, असि तो एसी ला के सोने वाले है ही नहीं। अस तो सवेरे 6 बजे योगा कराने जाने, हम भी अज भी करा के आई 7 सेक्टर रोज योगा होंगी है जरा वो है पार्क है तो सारे लोग मिलते हैं। मैडम जिंदल तो असि तो यह सोच रहे हैं कि जिम्मी मैं ठीक होगी योगा करना, सारे लोग ठीक रहे, सब की सेहत का ध्यान रखूंगा। मैं इस तरह नहीं करती लाया पक्खा एसी लाया सो गए, पब्लिक आई जी मिलन का टाइम नहीं। असि जे जित गए से उस दफ्तर नू लिखांगे उत्ते, मंदिर भी यही, गुरुद्वारा भी, मस्जिद सब कुछ, चारे धर्म यही है। कोई आओ ये दफ्तर सब दा मेरा तो नहीं। अंत में आप जनता से क्या अपील करेंगे? जनता को यही अपील करूंगी, मेनू वोट देंगे, बटन दबाएंगे टेलीफोन का, ताही मैं जीतूंगी। जीत के ही कम कराया जाता है, बिना जीते कोई कम नहीं कराया जाता। तो ये थे हमारे साथ आजाद उम्मीदवार प्रेम लता जिंदल जी, कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।